ये है विक्रम सिंधु। विक्रम सिंधु पुलिस में नौकरी करते हैं। जनता की रक्षा की जिम्मेदारी के साथ ही इन्होंने किसानों की आर्थिक सुरक्षा और आम जनता की सेहत की रक्षा का बीड़ा भी उठाया है। मतलब ये है कि विक्रम सिंधु जहर मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। ये पिछले 6 सालों से किसानों को जहर मुक्त प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। खास बात यह है कि विक्रम सिंधु अपनी सैलरी से पैसा खर्च करके किसानों को निशुल्क जहर मुक्त खेती की ट्रेनिंग दिलवाते हैं। विक्रम सिंधु कहां और कैसे जहर मुक्त खेती की ट्रेनिंग देते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन इससे पहले, यदि अभी तक आपने टेक्निकल फार्मिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। विक्रम सिंधु हरियाणा में हिसार के खांडा खेड़ी गाँव के रहने वाले हैं। इन्होंने 6 साल पहले कुछ किसानों के साथ मिलकर अपने गाँव में जहर मुक्त खेती ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया। इस सेंटर में ये अब तक हजारों किसानों को जहर मुक्त प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग दिलवा चुके हैं। विक्रम सिंधु पूरी ट्रेनिंग निशुल्क देते हैं। इसके साथ ही ये जहर मुक्त खेती करने वाले किसानों को इनाम दिलवाकर प्रोत्साहित भी करते हैं। मैं पिछले 12 साल से हरियाणा पुलिस में नौकरी कर रहा हूँ। 6 साल पहले लगभग राजीव दीक्षित जी का एक वीडियो सुना जिसमें उन्होंने किसानों की व्यथा के ऊपर एक पूरा व्याख्यान दिया हुआ है। उसमें उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में यूरिया, डीएपी और रासायनिक दवाइयाँ जो किसान अंधाधुंध मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, उनका इतना भयंकर परिणाम हमारे समाज को भुगतना पड़ रहा है। अगर हम उसको बारीकी से समझेंगे तो किसान की ज़मीन खराब हो चुकी है, किसान का पानी खराब हो चुका है, किसान ने अपने पर्यावरण को ख़त्म कर दिया, उसको दूषित कर दिया, उसका शारीरिक स्वास्थ्य गिर चुका है, आर्थिक तौर पर वो कंगाल हो चुका है। तो हमारे चारों तरफ इतनी मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के बच्चे पैदा होने बंद हो चुके हैं, कारण सिर्फ यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड है। पीछे 2000 का आसपास एक रिपोर्ट आई थी, उस अखबार में हमने भी पढ़ा था, भाई जो हम अंधाधुंध मात्रा में रासायनिक खाद और दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, माँ के दूध में भी उसका असर देखने को मिल चुका है। अब 2006 में फिर हमने पढ़ने को मिला, माँ के दूध की तो छोड़िए आप, जो माँ के गर्भ में बच्चा पढ़ रहा है और उसकी जो ओर नाल है वो भी इस जहर से ग्रस्त हो चुकी है। तो अब इसकी चारों तरफ बठिंडा से कैंसर ट्रेन चलती है, वो भी अपने खेती विरासत मिशन है, उन्होंने हाईलाइट कराया मामला, भाई ये जो कैंसर ट्रेन है ये क्यों चली, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी, भाई इसका नाम ही कैंसर ट्रेन रखना पड़ा। तो इसकी जब हम गहराई में पहुंचे तो कारण वही यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड। तो इन सारी चीज़ों का दिमाग में बड़ा नेगेटिव असर पड़ा। उसी दिन हमने सोच लिया भाई ज़िंदगी का सिर्फ अगर कोई मकसद है तो वो यही है, भाई किसान के लिए हमने इस रास्ते को चुना। अब मेरी वजह से अगर 1 किसान, 10 किसान, 100 किसान, 1000 किसान, 1 लाख किसान, 10 लाख किसान, हम तो ये चाहेंगे भाई पूरा का पूरा भारत, क्या पूरे की पूरी जो सृष्टि है, जो हमारे किसान साथी हैं, वो सारे जहर मुक्त हो जाए, वो अपने खेत में यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड डालना बंद कर दें। उस दिन हमने सोचा था भाई ये संभव कैसे हो उसके, तो हमने डोर टू डोर जाना शुरू कराया, किसानों को समझाना शुरू कराया। उसके बाद हमने जी 2 साल जो हमारे गांव में प्रेस है वहां हर महीने ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे, और अभी पिछले 3.5 साल से ये जो जहां आज ये कार्यक्रम था जहर मुक्त खेती प्रशिक्षण केंद्र नाम से, ये 400 किसानों के रहने सहने की व्यवस्था करी है। इसमें कोई और काम नहीं करते हम, सिर्फ और सिर्फ जैविक खेती के प्रमोशन का काम करते हैं। यहाँ पर बीज से लेकर और बाजार तक की निशुल्क जानकारी किसानों को दी जाती है। समय समय पर ये जो ट्रेनिंग कैंप है ये चलते रहते हैं। हमारे भारत भूषण त्यागी जी, मनबीर भाई रेड्डू हैं, फूल कुमार जी मातो बहनी है, ये जो हम किसी प्रोफेशनल को, किसी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट को, किसी चीफ गेस्ट को, किसी राजनीतिक आदमी को पिछले 6 साल के दौरान हमने कभी किसी को नहीं बुलाया। हम सिर्फ जो ग्राउंड लेवल पे अपने खेत में काम कर रहे हैं उन आदमियों को बुलाते हैं और उनका जो तजुर्बा है वो जो हमारे नए किसान हैं उनके सामने हम रखते हैं, ताकि उस तजुर्बे का वो जो नया किसान है वो भी फ़ायदा उठा सकें। हमने जब ये शुरू कराया लगभग 2010 में, उस टाइम हमने
किसान को कहा भाई आप अपने पूरे खेत में मत जैविक खेती करो, आप एक कनाल में आधे किले में एक किले में सिर्फ अपने घर के लिए एक बार आप इसका करके देखो भाई आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है। उस रिस्पॉन्स को देख कर फिर आप अपने पूरे खेत को जैविक करना। तो जो शुरुआती दौर था वो बड़ा कठिन था, किसान इस बात को सुन नहीं रहे थे, समझ नहीं रहे थे, करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी कुछ जज्बादी किसान थे जिन्होंने इस मुहिम में हमारा साथ दिया और अब 12,000 से ज़्यादा किसानों को हमने इस जहर मुक्त खेती प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा प्रशिक्षण दे चुके हैं हम, जिसमें से 785 किसानों का डाटा हमारे पास जिन्होंने अपने पूरे खेत को जैविक कर दिया है। काफ़ी कुछ किसानों ने अपनी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, ये किसानों को आगे बढ़ाने के लिए अभी केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है भाई, किसान प्रोसेसिंग में और पैकिंग लाइन में भी आए, तो अपनी FPO भी बनाई है हमारे किसान साथियों ने, कम से कम 6-7 FPO बन चुकी है हमारे किसान साथियों की। तो ये जो अभियान 6 साल पहले एक छोटा सा अभियान था वो अब एक बहुत बड़ा विस्तृत रूप ले चुका है। दूसरा, जो 6 साल के दौरान हमारे किसान साथी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, दिन रात एक किया, उनका पड़ोसी उनका मजाक कर रहे थे, ये आए भाई गोबर से गौमूत्र से खेती करने वाले, और कहीं ना कहीं सरकार की लिस्ट में भी उनका नाम नहीं था, उनको हमने मान्यता दी है। उन साथियों को प्रोत्साहन स्वरूप 10 किसान साथियों को 5100 रुपये का इनाम, एक किसान साथी को 21,000 का और एक किसान साथी को 1,00,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दी गई, ताकि और जो हमारे किसान साथी हैं उनका भी मनोबल बना रहे, वो इस प्रोग्राम में और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, और ये जो मुहिम है भाई राजीव दीक्षित जी की, हमारी सबकी, हमारे समाज की, ये और आगे जितना जल्दी हो सके हम अपनी धरती को जहर मुक्त कर सके। विक्रम सिंधु अपनी सैलरी का 70% हिस्सा जहर मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए खर्च कर देते हैं। रासायनिक खाद और केमिकल के बढ़ते प्रयोग के कारण खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा बनती जा रही है, साथ ही खेती के उत्पादों में जहर की मात्रा बढ़ने से लोग तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, मतलब किसान और उपभोक्ता दोनों घाटे में। इसीलिए विक्रम सिंधु चाहते हैं कि देश के सभी किसान जहर मुक्त प्राकृतिक खेती करें। जो ये बीमारी और डॉक्टर, इन्होंने लोगों को इतना परेशान कर दिया है कि अब मजबूरी में जैविक खेती को, जहर मुक्त खेती को अपनाना पड़ेगा। हमारे कहने से अपनाओ ना अपनाओ वो एक अलग विषय है, लेकिन लोगों की मजबूरी हो चुकी है। कैंसर, हार्ट, लीवर, BP, किडनी, सोराइसिस, ये जितनी भी बीमारियां हैं ये सारी यूरिया DAP पेस्टिसाइड की देन है। अब लोगों के समझ में आने लग गया भाई हमने ये जो अंधाधुंध मात्रा में जैविक, अंधाधुंध मात्रा में किसान अपने खेत में रासायनिक खाद और दवाइयां डाल रहे हैं, इसकी वजह से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है, और जिसके इलाज के लिए हमारे को डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है और वहाँ हमारे पैसे खराब होने लग रहे हैं, तो वो लोग थोड़े से अवेयर हो रहे हैं और उन्होंने किसान के साथ सीधा संपर्क बनाना शुरू कर दिया, और अब हमने भी ये अपना लिया, एक अलग ही प्रोजेक्ट का रूप दे दिया हमारे युवा किसान साथी हैं, जो भाई आप डायरेक्ट कस्टमर के टच में आइए, और कस्टमर को भी हम कह रहे हैं भाई आप अपना फैमिली डॉक्टर है, जो ये एक कंसेप्ट था भाई फैमिली डॉक्टर है ये हमारा, फैमिली डॉक्टर को छोड़िए वो गया ज़माना, आप अपना फैमिली किसान चुनिए, उस किसान के साथ आप साल में 1-3 बार आप उसके खेत में जाइए, आप उसके संपर्क में आइए, आप उससे कहिए भाई मेरे को सब्जी भी आपसे आपने देनी है, मेरे को दूध भी आपने देना है, मेरे को घी भी आपने देना है, मेरे को दालें भी आपने देनी है, और ये जो एक कंसेप्ट है फैमिली किसान का, ये अपनाने का समय आ चुका है जी। अब कंज्यूमर है जो उपभोक्ता है, उसने तो पैसे देने देने हैं, वो डॉक्टर को देगा, डॉक्टर को देगा तो उसका शरीर को भी परेशानी होगी, अगर वही पैसे वो जैविक किसान को दे देगा अपना फैमिली किसान बनाकर, तो जो उसके शारीरिक स्वास्थ्य पे गलत असर पड़ना था वो असर नहीं पड़ेगा। तो इस कंसेप्ट पे भी आ चुके हैं हमारे किसान साथी, 4 युवा किसानों की टीम है जो इस विषय के ऊपर काम करने लग रही है, 2 मोबाइल वैन है हमारी जो गुड़गांव
चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला और दिल्ली में मूवेबल वैन वो जगह जगह घूमती फिर रही हैं, उपभोक्ताओं को जागरूक कर रही हैं, भाई आप ये जैविक उत्पाद हैं इनको खाना शुरू कीजिए, आपको बीमारी नहीं होगी, आपको डॉक्टर के जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये जो जहर मुक्त खेती प्रशिक्षण केंद्र है, इसको आप गूगल मैप पे डायल कर कभी भी, ये 24 घंटे खुला रहता है और बीज से लेकर बाजार तक की जानकारी यहाँ से किसान साथी कभी भी आकर ले सकता। यहाँ इनडोर और आउटडोर, एक किले में हम अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं आउटडोर में, और इनडोर में ये क्लासेस चलती रहती हैं। कभी मनबीर रेड्डू भाई साहब की कीट साक्षरता मिशन की है, फूल कुमार मातो हैं जो उन्होंने मल्टी लेयर की, आकाश चौरसिया जी हैं, अभी प्रधानमंत्री जी ने न्यू इंडिया कन्क्लेव का अवार्ड दिया था, मल्टी लेयर फार्मिंग का मॉडल है, उनकी इनडोर क्लासेस चलती रहती हैं। और आउटडोर वो आपके सामने है, कभी टाइम निकले तो आप आकर देखो, सीखो। और जो ये एक समाज का संवेदनशील और अति ज्वलंत मुद्दा है जहर मुक्त खेती, इस विषय पर जैसे भी आपका सहयोग बन सके, हम फाइनेंशियली सहयोग नहीं कह रहे, आप अगर किसान हैं तो जैविक खेती करिए, आप अगर उपभोक्ता हैं तो आप जैविक किसानों के द्वारा उत्पादित उत्पादों का प्रयोग करिए। अगर आप उस जहर मुक्त खेती द्वारा उत्पादित उत्पादों का प्रयोग करोगे तो भी आप इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हो, आप इसमें सहभागी बन सकते हो। विक्रम सिंधु की इस मुहिम को हजारों किसान आगे बढ़ा रहे हैं, ये किसान पूरी तरह से जहर मुक्त प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं। आप यदि किसान हैं तो जहर मुक्त खेती शुरू कीजिए, इसके लिए खांडाखेड़ी का जहर मुक्त खेती संस्थान आपकी हर संभव सहायता करेगा। और यदि आप उपभोक्ता हैं तो जहर मुक्त शुद्ध प्राकृतिक उत्पाद खरीदिए, इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आप किसानों की सहायता भी करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।